हाय हाय गाइस, यार, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजात है। भगवान शिव जी ने बहुत ही बड़ा अपना हथियार दे दिया है रावण को। अब हाँ, आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। नमः और बहुत बड़ी लीला भी शुरू हो गई है। शिवाय। हाँ वो तो है भाई। ओम नमः ये कौन है? शिवाय। ये भैया, ओम नमः ये जो साया बता रहे थे ना, जो भगवान विष्णु ने बताया, ये भैया भैया ये भाई ये है कौन? असुरी होगा कोई ना कोई। हाँ और कहा क्या था कि रुके करने में भी सक्षम है भाई। असुर तो सारे कर सकते हैं यार, लेकिन कुछ ज्यादा होते हैं। हाँ ये भी है, वैसे हर तरह का रूप ले लेते होंगे, हर तरह का। हाँ शेर बन गई हो। ये तो शेर बन गया, यानी ये तो कुछ भी बन सकते हैं। वही ना, तभी उन्होंने कहा था कि हर तरह का। देख शेर बन गए। हाँ वही ना, ये यानी कुछ भी बन सकता है भाई। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, प्रभु इस व्याघ्र से मुझे बचा लीजिए, प्रभु। अरे अभी प्रभु पूरा लेकिन करीब आने वाला, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, प्रभु सबके लिए है प्रभु। ये भी देख कर रहे थे पप्पा सर। और बाप रे, आ गए भगवान। खैर नहीं, भगवान शिव जी की आत्मा, क्योंकि वो कर रहे थे भगवान शिव जी की तपस्या। विलम्ब डाल रहे हैं। हाय भगवान शिव जी, अरे चिल्ला रहा है, चिल्ला बोल रहे कुछ। भगवान शिव जी से प्रकट हो गए, वो भी आ गया। अल्लाह सुन है ना, इनको अब कौन समझ रहा है? वो तो मूर्ख है। हाँ शिवा महादेव, जैसे अभी मान जाएगा। और ये नहीं पता सामने कौन खड़ा है। देवों के देव महादेव खड़े। ओह ले, गायब हो गया, भाग गया क्या? अरे इधर आ गया। ये अभी लोकेशन चेंज आ रहा है। भगवान शिव जी विराज मेरे ना देव खेल रहा है, नहीं है वो देव ना। ये आई थिंक भगवान शिव जी के साथ खेल रहा है। भगवान शिव जी भी कहता खेल ले, ये नहीं 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 इस माल का खेल ले बेटा, तू खेल ले बेटा, खेल ले बेटा, तू भी खेल ले, खेलने का मौका दिया। हाँ बढ़ना शुरू हो गई लला आगे। ये भागा नहीं है भगवान शिव जी को देख के, ये सबसे बड़ी बात है। उसको पता तो होगा कि ये देवों के देव महादेव है। वो देखो देखो उड़ गया है, छलांग लगा रही भगवान शिव जी पे। क्योंकि भगवान शिव जी कभी जो है ना वो एकदम नहीं देखते, जो हो सकता है वही असुर है, हो सकता है मार दिया, कुछ भी बोल क्योंकि जो यज्ञ मज्ञ सब के। आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया प्रभु, काशी की ये भूमि धन्य हो गई। आज आपने यहाँ पधार कर हम वेदाज्ञ ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा उपकार किया प्रभु। अब काशी के प्रत्येक ब्राह्मण और निष्पाप प्राणियों की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप काशी छोड़कर कभी मत जाइए, कभी ना जाइए प्रभु। यानी कि अब ये काशी में भी रहेंगे अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो? मतलब भगवान शिव जी की कैलाश पक्की जगह, मतलब वो इस जहां क्षण की प्रतीक्षा आपको बहुत समय से थी ना देवी जी। नारायण,
हाँ ये लेकिन वो भी शिवलिंग तो था। महादेव का काशी में आगमन काशी की भूमि के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। महादेव यहाँ वेदज्ञ ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा हेतु पधारे हैं। ये देखना ऑलरेडी महादेव बड़ा शिवलिंग है वहाँ। लेकिन अब बात और जब ज्ञान में महादेव का संरक्षण प्राप्त हो तो हर जगह तो किसी व्याघ्र का भय कैसा। इस पवित्र स्थल को व्याघ्रेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा। अब भगवान शिव जी यहाँ भी वास करेंगे। ओ यार मेरे एक महान भक्त की तपस्या पूर्ण हुई है। अब कौन सा महान भक्त? उसके कठोर तप ने मुझे प्रसन्न किया। अच्छा इसका अभी तक दिखाया नहीं। अब उसे वरदान देने का समय आ गया। जा रहे हैं ना बाबा वरदान दे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भक्त पहले दिखा देते हैं जो हाय वाह। जिन हाथों से तुम्हें असुरों के उज्जवल भविष्य को निर्माण करना है, उनके वर्चस्व को पुनः स्थापित करना है, उन हाथों को अपनी मूर्खता से क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है तुम्हें दशानंद। रावण महादेव ने मेरा नामकरण किया है। भगवान शिव जी ने नाम मेरे आराध्य देव ने मुझे नया नाम दिया है रावण। आज से सभी मुझे उसी नाम से संबोधित करेंगे। भगवान शिव जी ने जो नाम रख दिया लल्ला सो रख दिया। अपनी विक्षिप्तता से बाहर निकलो दशानन। महादेव तुम्हारे साथ लंका नहीं आने वाले, समझ में आया? कौन सी लंका जा रहे हैं? हमें लंका नहीं आने वाले। मैं यह बात यहाँ मतलब यहाँ पर जा रही है भली भांति समझ चुका हूँ कि महादेव मेरे साथ लंका नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे जब तक मेरी भक्ति पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं हो जाती। बुरे तरीके से ऐसा तो सपने में भी नहीं। नाना श्री यदि मैं काशी का कोई साधारण ब्राह्मण होता तो महादेव कब के मेरे साथ लंका पधार गए होते। परंतु मैं तो उनका परम भक्त हूं ना। रावण इसीलिए मेरी परीक्षा भी अत्यंत कठिन रखी है उन्होंने। परंतु मैं भी अपने निश्चय पर दृढ़ हूं और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके पश्चात आप अपने शब्द वापस लेने पर विवश हो जाएंगे। ऐसा क्या करने जा रहे? अब क्या करने वाले आप? तो वो लंका वही जिसका मार्ग स्वयं प्रभु महादेव ने मेरे लिए प्रशस्त किया है। ओ, कौन सा रास्ता? मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है। किस चीज का? कि प्रभु महादेव को संगीत अति प्रिय है। ओ, ये तो है यार, संगीत तो उनको वाक्य में बहुत ज्यादा वो पसंद और इन्हीं से ही पसंद होके देखो पसंद होके इनको वो कैलाश का पर्वत उठा दिया था। अबे जहर सी बात है यार। अबे तो ये संगीत के वो मतलब संगीत का कुछ करके उस तरीके से लाएगा। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। कह रहा कि मुझे रास्ता मिल गया, कह रहा आप अपने शब्द फिर वापसी लोगे। मुझे भी कुछ ऐसे ही फील हो रहा है कि वो लंका ले आऊंगा। लेकिन देखो लेकिन लेकिन चलो वो तो आगे की बात है। लेकिन आप देखते हैं वो देखा जिस तरह वो शेर ने हमला किया। वो तो भगवान शिव जी के साथ अच्छा दो दफा गायब हुआ, फिर तीसरी दफा गायब हुआ ना भगवान शिव जी यूं सवाल करके देख कह रहे बेटा खेल ले। जैसे वही मैंने नहीं बोला कि भाई साहब ये भगवान शिव जी भी लाइए कौन मेरे साथ खेल रहा है।
अब मैं कह रहा तू देख तो सही कि खेल रहा किसके साथ आगे है कौन यार। और भगवान शिव जी ने उसको भस्म कर दिया। ये वही है आई थिंक जो वो ब्राह्मण आए थे तो वो यज्ञ मगे सब जो वो खत्म करना चाह रहे थे, और अगर वो फैल गया, अगर काशी में उसको खत्म ना किया गया तो ये वही है और भगवान शिव जी ने इसको भस्म किया, क्योंकि ये अपने वो से जो चेस की साया था उससे वही बंदा लगा। हाँ ये वही था और ये अपनी शक्तियों से हर रूप ले रहा था। पहले तो वो दूसरे थे ना आदमियों के या इसी तरह का रूप ले रहे थे, शेर का भी, ये शेर का हर तरीके का रूप ले रहा था, मतलब हर तरह से हर किसी चीज का रूप सक्षम था भाई। और ये बड़ा खतरनाक था भाई, और अगर वो ब्राह्मण करता रहता ना तो आई थिंक उसको नुकसान पहुंचाता ये असुर, क्योंकि जो शेर बना था ना उसको पक्का ये नुकसान पहुंचाता। लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान शिव जी बोला तो वो आई थिंक भगवान शिव जी काशी आते फौरन प्रकट हुए और भाई शहर को उड़ा के रख दिया। लेकिन अब आगे देखते आगे आखिर होता है क्या। तो बाय।